नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सीता नवमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मान्यता है कि बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माँ सीता प्रकट हुई थी। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता सीता का पूजन करती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। सीता नवमी को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। माता जानकी की कथा। रामायण के अनुसार एक बार मिथिला राज्य में कई वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी। इससे मिथिला नरेश जनक बहुत चिंतित हो उठे। इसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों से विचार विमर्श किया और मार्ग प्रशस्त करने का अनुरोध किया। उस समय ऋषि मुनियों ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इंद्र देवता की कृपा जरूर बरसेगी। राजा जनक ने ऋषि मुनियों के वचनानुसार बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन खेत में हल चलाया। इसी दौरान उनके हल से कोई वस्तु टकराई। यह देख राजा जनक ने सेवादारों से उस स्थान की खुदाई करवाई। उस समय खुदाई में उन्हें एक कलश प्राप्त हुआ जिसमें एक कन्या थी। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर उनका पालन पोषण किया। तत्कालीन समय में हल को सीत कहा जाता था, इसलिए राजा जनक ने उस कन्या का नाम सीता रखा। सीता नवमी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर रूपवान पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कार्य की चर्चाएं होने लगी। परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार देव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन बैसाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे सज्जनों, मुझ पर कृपा कर कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूं। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई। किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। जातिश्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं,
उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सीता नवमी का महत्व। देवी सीता को माता लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देवी सीता धैर्य और समर्पण की देवी मानी जाती हैं। इसलिए इस दिन सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और माता सीता की पूजा करती हैं। वहीं कुमारी कन्याएं मन वांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजन करने से तीर्थ यात्रा और दान पुण्य का कई गुना फल प्राप्त होता है। देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जानकी जयंती पर मंदिरों में भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा करता है उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। सीता नवमी की पूजा विधि। साधक को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद स्वच्छ भूमि पर गंगा जल छिड़क कर उस पर मंडप बनाए। यह मंडप 4, 8 या 16 स्तंभ का होना चाहिए। मंडप के मध्य में सुंदर आसन रखकर भगवान श्री राम और माता सीता की स्थापना करें। पूजा के सोने की, पीतल की, तांबे या मिट्टी में से कोई भी मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते तो आप श्री राम और माता सीता की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान गणेश और माता गौरी की पूजा करें। इसके बाद ओम श्री जानकी रामाभ्या नमः मंत्र के द्वारा आसन, पादे अत्र और आचमन कर सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवान श्री राम और माता सीता को वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। इसके बाद गंध, सिंदूर, चंदन, पुष्प, माला, फल, नवेद, मिष्ठान भी श्री राम और माता सीता को अर्पित करें। इसके बाद इनकी विधिवत धूप व दीप से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान श्री राम और माता जानकी की कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद भगवान श्री राम और माता सीता को मिठाई का भोग लगाएं और धूप व दीप से आरती करें। इसके बाद नवमी तिथि के दिन यह सभी वस्तुएं किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को दान कर दें। जानकी जयंती को माता सीता के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सुहागिन स्त्री अपने घर की सुख शांति और अपने पति की लंबी उम्र के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में विशेष दिन पर पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। जिस तरह से विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह से प्रभु श्री राम के साथ माता सीता की पूजा करने का विधान है। माता सीता को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है और श्री राम जी को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। श्री राम जी का जन्मदिवस रामनवमी को मनाया जाता है। वहीं माता सीता का जन्मदिवस भी धूमधाम से मनाने की प्रथा है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।